नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी ने जैसे ही भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी के नाम मुकेश पारिक की घोषणा की, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और मुकेश पारिक को फूल मालाओं और भाजपा के उपरनों से खुशी से लाद दिया। पटाखे छोड़े गए, आतिशबाजी की गई। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता नवीन पारिक ने, जब मुकेश पारिक को उन्हें भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया तो उनका इस संबंध में क्या कहना था। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपी जोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुकेश पारिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई साहब, अभी हमने ज्ञात हुआ है कि लक्ष्मीकांत जी भाई साहब को क्या किस पद पर नियुक्ति दी गई है भाजपा की ओर से। हमारे प्रवक्ता बने हैं, पैनलिस्ट बने हैं और मुझे कार्यालय प्रभारी का दायित्व दिया है। हमारे अधिकांश जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे उसमें भी बढ़ोतरी की है। नए पूरी जो कार्यकारिणी है का गठन हुआ है और ये पूरा मोदी जी का परिवार है। ये परिवार पूरे देश को परिवार मान के हमारे नेता काम करते हैं और अब की बार जो लक्ष्य है राजस्थान में 25 में से 25 हम लोकसभा की सीटें जीतेंगे और जो मोदी जी का जो उद्देश्य है, उनका ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अब की बार भारतीय जनता पार्टी NDA की 400 सीटों के पार जाएगी और सरकार बनेगी। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपके परिवार के नाम कोई विशेष संदेश देना चाहें, इसके नाम आपका जो आपने बताया कि पूरा मोदी जी का परिवार है, कोई आपकी तरफ से एक बहुत प्यारा सा मीठा सा संदेश परिवार के नाम। भारतीय जनता पार्टी का परिवार फिर एक बार मोदी सरकार के लिए काम कर रहा है। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने गांव, गरीब और किसान सबके लिए काम किया, तो निश्चित रूप से फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, वंस अगेन शुभकामनाएं, थैंक यू।